हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी फूड। आज मैं आपको बहुत ही इजी और टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल लूज प्रॉन्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी रहेंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 250 ग्राम्स प्रॉन्स को लिया है। अब हम इसमें आधा टी स्पून नमक को ऐड करेंगे, साल्ट को ऐड करेंगे, दो चिटकी व्हाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर नहीं तो आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हमें इसमें ऐड करना है। अब हम इसमें आधा टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से हमें मिक्स करना है और इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट तक। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखिए मेरे इस वीडियो को। देखिए अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे प्रॉन्स मैरिनेट होते हैं हम इसका मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने थोड़े सा हरा धनिया लिया है, थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं। इस मसाले से ही प्रॉन्स का टेस्ट अच्छा रहेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड कर देंगे। दो पिंच शुगर भी हमें इसमें ऐड करना है और हमें इसे दरदरा पीसना है, ज्यादा पेस्ट नहीं करना है इसे। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे, आधा टीस्पून अदरक जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें इसमें डालना है। अब हम इसे दरदरा ब्लेंड कर देंगे, बिल्कुल पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। देखिए मैंने इसे दरदरा पीस लिया है, इससे प्रॉन्स का टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं और हमारे प्रॉन्स मैरिनेट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा और कॉर्न पाउडर ऐड करेंगे। देखिए इसमें मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें कॉर्न पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको ये गाढ़ा लगे थोड़ा पानी ऐड करके इसे हम थोड़ा पतला करेंगे। देखिए मैंने थोड़ा पानी ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छे से कोट होने तक अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए सभी प्रॉन्स पर अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई के लिए मैंने ऑयल रख लिया है और हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम प्रॉन्स को इसमें ऐड करेंगे। देखिए प्रॉन्स को मैंने अच्छे से ऐड कर लिया है, ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। देखिए दोस्तों हमारे प्रॉन्स अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी रहेंगे। देखिए दोस्तों मैंने सभी प्रॉन्स को अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हमने जो मसाला ब्लेंड करके रखा है उसे इसमें ऐड करेंगे और जब तक इसका मॉइस्चराइजर नहीं जाता तब तक उसे फ्राई करेंगे। इसमें जो पानी रहेगा वो सब सूखना सूखना है अच्छे से।
देखिए दोस्तों, हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हमने जो प्रॉन्स फ्राई करके रखे हैं डीप फ्राई करके, वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और टॉस करेंगे इसे। हमारा जो मसाला है सभी प्रॉन्स पे अच्छे से लगना है। देखिए दोस्तों, हमारा लूज प्रॉन्स अच्छे से रेडी हो गया है। हमारा मसाला भी अच्छे से हर एक प्रॉन्स पे लग गया है, कोट हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे रेस्टोरेंट टाइप लूज प्रॉन्स रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, मसाला भी अच्छे से इस पर कोट हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।